हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आराम आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो करते हैं उसी तरह स्टार्ट। आज ना मैंने कबूतरों के अंडे जो चेंज किए थे उस पर माशाल्लाह से कबूतर बैठ गए। जो दूसरा कबूतर था वो अंडे बैठ गया। चार अंडे ले कर बैठा हुआ ये सामने, ये बैठा है चारों के चारों अंडे लेके। मैं जी भी डरा दिए सी। तू उधर जा, डरा नहीं, चल उधर बैठो जा। ये यहाँ आने दे, तू वहाँ बैठ जा। और अंडों पे तो उसको बिठा दे, और उसने सही तरह अंडे किए भी हैं। और हाँ, आज मुर्गे को ट्रेन मैं बताऊँगा अभी मुर्गे को किस तरह ट्रेन करते हैं, क्योंकि मेरे पास पट्टा है, मैंने भी ट्रेन करना है। और साथ आपको भी बता दूंगा किस तरह ट्रेन करते हैं। जिसको नहीं पता वो सीख लेगा, और जिसको पता है वो फिर उसको, तो भाई वो उस्ताद है, फिर उसको पता होगा। तो फिर मैं इसको दाना, इनको दाना भी डालता हूँ अभी। दाना भी नहीं इनको डाला, अभी दाना डाल के फिर इनको, फिर इसको ट्रेन करूँगा। और हाँ, इसको आज मैंने वो कल ट्रेनिंग दी थी इसको हाथ पे लाने की, इसको हाथ पे भी ला के इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा। अभी सारा दाना डाल दिया मैंने इस मुर्गी को भी और कबूतरों को भी। वो एक कबूतर अभी अंदर से बाहर आ रहा है, वो भी खा लेगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मुर्गी को ट्रेन किस तरह करते हैं, और उसका सबसे पहले क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती हैं। आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कि क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है मुर्गी की ट्रेनिंग का, वो होता है उसका सांस पक्का करवाना। अब उसका सांस लोग इस तरह पक्का करवाते हैं, वो मशीन होती है, वो घूमती है, जो उसके वो घुमाते हैं तो मुर्गा अंदर भागता है उसके, उसकी वजह से भी सांस पक्का होता है। और जो मेरा तरीका है, कुछ लोगों के पास नहीं होती वो मशीन, जो मैं अब बता रहा हूँ वो कर लें, वो उससे सांस उसका पक्का भी हो जाएगा। पहले तो सबसे पहले जब मुर्गा खोलते हैं ना, उसको उसके पीछे भागा करें, ऐसे ऐसे चला करें वो तुम आपके आगे आगे चले। तो इस तरह दो फायदे हैं इस चीज़ के, मुर्गे का सांस भी पक्का होगा और आपका सांस भी पक्का होगा। अब ये एक पहला काम। और दूसरा काम, मुर्गे को उठा के मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह उसका एक दूसरे तरीके से भी सांस पक्का हो सकता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मुर्गा ले आऊँ बाहर, अगर मुर्गा वैसे ही भागता है, अगर मुर्गा ना उस तरह करे तो मैं मुर्गी करके दिखाऊंगा आपको। मुर्गा तो भाई हाथ में नहीं आ रहा मेरे, मैं फिर मुर्गी पकड़ के आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह उसको सांस पक्का करना है। अभी मैं मुर्गी निकाल के लाया और फिर मैं आपको दिखाया कि किस तरह होगा उसका सांस पक्का। तो अभी मैंने मुर्गी निकाली, मुर्गा इसलिए निकाला वो भाग रहा था, उसको मैं नहीं कर सकता इस तरह। अभी मैंने पहले आपको दो स्टेप, एक स्टेप बताया है कि मुर्गी के पीछे भागने आपने, और दूसरा जो है वो, तो अभी मैं बता रहा हूँ ये इस तरह पकड़ के मुर्गे को इस तरह आप लोगों ने करवाना है, इस तरह इसका होगा सांस पक्का। और फर्श पे नहीं, जिस तरह मैं अभी लैंडर पे वो तो मैं करके दिखा रहा था, इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। आपने कोई नरम सी जगह पे करना है, या मिट्टी वाली जगह पे, या कोई कारपेट नरम सी बिछा दो उस पर। और तीसरा जो है वो इसकी टांग पकड़ के मुर्गे की, इस तरह मुर्गी टांग करके इस तरह करके वो खुद उठेगा। और जब इस तरह उठेगा बार बार इस तरह करके फिर छोड़ना। जब ये इस तरह उठेगा इसकी तरह, इसका सांस ही पक्का होगा, इसकी लातें ही मजबूत होंगी। ये होता है उठक बैठक इन मुर्गियों का, ऐसे इनकी लातें होंगी सख्त और फिर ये सही मतलब लड़ेंगी। बस ये तीन स्टेप हैं। और उसके बाद जब लड़वाना हो, उससे 10-15 दिन पहले 5 अमेरिकन गिरी, 5-5 वो इनको खिलानी है और फिर लड़वा देना है। फिर रिजल्ट देख के आपको लग जाएगा पता है कि इतनी मेहनत की है, जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। अभी हम इसको छोड़ देते, तंग हो रही है मुर्गे को। जब तक मैं हाथ पे लाता नहीं हूँ, तब तक उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकती। मैंने अपने मुर्गे को दाना खिला दिया हाथ से, क्योंकि वो उसको हिलाना है, मैंने उसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो इसलिए उसको हाथ पे दाना खिलाया। पानी भी अभी हाथ में पिलाऊंगा। कबूतरों को तो मैंने पानी रख दिया उधर पीछे पड़ा है, ये पड़ा है पानी, ये पानी पी लिया इन कबूतरों ने, ये पी के उधर चले गए। मुर्गियाँ भी खोल के पानी पिला देता हूँ, और फिर अपने मुर्गे को पानी पिला के फिर इनको बंद कर देता हूँ। ये मैं खोलने लगा हूँ मुर्गियाँ, ये खोल दी हैं इस तरह, ये जाके पानी छानी पी लेंगी। ओ पीछे होना, इधर जाओ, ये पानी पियेंगी, फिर मैं मुर्गा खोल के पानी पिलाऊंगा। अभी वो अंडों पे बैठा है सही ज़बरदस्त तरीके से, चारों के चार अंडे रख के नीचे बैठा हुआ है। अभी मैंने अपने सारे ऊपर वाले कबूतरों को बंद कर दिए, यहाँ पे घूम रहे सारे ऊपर वाले कबूतर बंद, इसलिए बंद किया क्योंकि ये
करते हैं बहुत ज़्यादा तंग, फिर बंद नहीं होते। मैंने कहा अभी इनको पहले ही कर देता हूँ, क्योंकि अंदर चले गए थे, मैंने बंद कर दिया फिर इनको। और बाकी नीचे वाले अंदर जा ही नहीं रहे, ये बाहर ही घूम रहे हैं। ओ ताला लगा दिया, वैसे ही एक कबूतर तो था उधर। ये भी उड़ गए, अब इसको बंद करना पड़ेगा, आएगा तो इसको ही बंद करेंगे। अभी फ़िलहाल इनको तो बंद कर दूँ। और ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल अरियान पेट हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। ये उड़ गए और इनको ही मैं बंद कर दूँ मुर्गियों को।